की बात करते हैं, और आपके बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पर दो चैप्टर बेस है, एक आपका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा आप इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं तो वो हमें कहाँ बेनिफिट दे रही है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होती है। जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज ट्रॉल करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब इसका यूज कहाँ पर है, तो मैं ये कहता हूं कि लाइफ के हर स्ट्रक्चर में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। कोई भी आर्किटेक्चर, आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, सब जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं है क्या ट्रिग्नोमेट्री, और इट इज द क्वीन ऑफ द मैथमेटिक्स। तो अगर आप 11th में मैथ्स लेंगे तो ट्रिग्नो के बिना आप समझ लीजिए कैलकुलस पॉसिबल नहीं। एक तरीके से आप ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की स्टडी है, एंगल्स और साइड्स की स्टडी है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो जरूरत क्यों पड़ रही है पहले थोड़ा सा उसको समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या बेसिक्स आ रहे हैं उसको समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज सारा का सारा बेसिक जो है यहीं से कवर होता है। तो सबसे पहले देखो, हमने 7th 8th और 9th तक जो हमने ट्राइंगल की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ा, दैट प्रॉपर्टी इज पाइथागोरस थ्योरम इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है, बाकी दोनों एंगल्स का सम जो है यहाँ पर वो 90 डिग्री होगा। अब इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ऐसा कुछ हम लोगों ने अपने स्कूल्स में छोटी क्लासेस में पढ़ा, और हमने कहा कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप ये कहोगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल पर क्यों लेके जा रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे क्यों लेके जा रहा है? तो सर इसके लिए मैं आपको समझा दूं कि जरूरत क्या है ट्रिग्नोमेट्री की, इंट्रोड्यूस क्यों हो रहा है, कैसे हम ये सब बातों को लेकर आ रहे हैं, तो वो यहीं से हम लोगों को समझ में आएगा। तो अगर सपोज कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने कहा कि तीन साइड्स परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एक रिलेशन हमारा अप्लाई होता है, एंड दैट रिलेशन इज टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ऐसा रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा जिसमें हम लोग ये बोलते थे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में पढ़ा, ठीक है ना। और इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था मैथमेटिक्स के फील्ड में, पाइथागोरस थ्योरम जो है। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर आप जो है कंसीडर कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई टावर है आप उसको खड़ा कर रहे हो, रस्सी से बांध रहे हो, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है प्रॉपरली कहीं ना कहीं पाइथागोरस यूज हो रही है या फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक काम तो हो ही रहा है। अब सर इसको हमने कहा कि ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमने दो साइड्स के पता होने से तीसरी साइड का पता लगा लिया। मतलब अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पता है तो मेरा हाइपोटेन्यूस आ जाता है। अगर मुझे हाइपोटेन्यूस का वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस से मैं निकाल पा रहा हूँ, दो साइड्स का पता है तो तीसरी साइड आ जानी है। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पता है तो मैं बेस निकाल लेता हूँ, अगर मुझे बेस और हाइपोटेन्यूस पता है तो मैं परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ। यूज कैसे होता है वो सबको मालूम है। पर सर अगर सपोज करें कि हमें ट्रायंगल की इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का नहीं पता, हमें सिर्फ एक ही साइड का पता है, किसी एक साइड का हमें पता है, तो क्या सिर्फ एक साइड के पता होने से हम बाकी की साइड्स को पता लगा सकते हैं क्या? ये स्टडी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी है, ऐसे समझ लीजिए। मतलब हमें दो साइड्स पता होती राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम पाइथागोरस अप्लाई करके तीसरी साइड का पता लगा लेते। लेकिन अगर सपोज मेरे को इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक ही साइड के बारे में पता है, किसी एक साइड का वैल्यू दे रखा है, तो ऐसे केस में क्या मैं बाकी की साइड्स निकाल सकता हूं? तो अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे निकाल लें, अभी सपोज मैं यहां पर कह दूं कि ए बी जो है हमारा वो 50 सेंटीमीटर है और आप बी सी और ए सी निकालो तो ऐसे कैसे निकाल लेंगे? तो सर यहां पर एक साइड का पता है, बाकी की साइड्स निकालना चाहते हैं, तो अब ट्रिग्नोमेट्री का हम यहां पर बेनिफिट लेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का यहां पर यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कर रही है? एंगल्स और साइड्स को आपस में रिलेट कर रही है और उस हिसाब से हम लोग बाकी की वो साइड्स निकाल रहे हैं जो हमें नहीं पता। तो ऐसे समझते हैं कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा बेस है और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस है। लेकिन हमें कोई एक ही साइड के बारे में पता है, दो साइड्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि अगर दो पता है तो फिर तो पाइथागोरस लगा के मैं तीसरी साइड निकाल ही लेता हूं। तो अब सर सिर्फ एक साइड के साथ मेरे को कोई इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से कोई एक एंगल भी मुझे दे रखा होगा, और अब जो भी साइड दे रखी है और जो भी एंगल दे रखा है उनको रिलेट करके हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? बाकी की साइड्स को फाइंड करेंगे। यही ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी है। तो समझ में आया अभी क्या बात कर रहे हैं? भी और अच्छे समझ में आएगा जब खुल के बात करेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर सपोज अभी अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल दे रखा है तो ये वाला अपने आप निकल जाएगा, अगर ये वाला एंगल दे रखा है तो ये वाला अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल का जो सम है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना, वो हमेशा कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो सपोज मैं यहां पर कहता हूं कि ये वाला एंगल मेरे को मालूम है, अब ये एंगल कितना है ये नहीं पता, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यहां पर यूज करते हैं एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड थीटा। वो वेरिएबल क्या कहा जा रहा है? थीटा कहते हैं उस वेरिएबल को, ठीक है ना। अब थीटा के लिए यहां पर कोई साइन तो है नहीं, तो मैं ऐसा डॉलर बना देता हूं जिससे आप समझ लीजिए ये थीटा है। हालांकि थीटा का जो प्रॉपर साइन है दैट इज लाइक दिस, ऐसा अंडा टाइप बना के उसमें ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो ये साइन हमारा थीटा होता है, ठीक है ना, थीटा। तो थीटा इज नथिंग, थीटा इज अ वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे आप दूसरे वेरिएबल लेते हो एक्स वाई जेड, है ना, आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। तो वैसे ही हम समझ लें यहाँ पर हमें एक एंगल का वैल्यू दे रखा है
और अगर वैल्यू दे रखा है तो वो तो रख ही दे रहे हैं, लेकिन अगर वैल्यू नहीं मालूम है उसके लिए कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, थीटा। अब जरूरी नहीं कि हर जगह थीटा हो, किसी जगह वो फाइव ही रख देगा, किसी जगह अल्फा रख देगा, किसी जगह बीटा रख देगा, किसी जगह वो वर्टेक्स के नाम से ही इसको कह देगा कि एंगल सी है। तो फिलहाल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो थीटा है उसको हम अपने इस साइन डॉलर से जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइपिंग में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो सर ये एंगल अगर मेरे को मालूम है, इन तीनों में से कोई एक साइड दे रखी है, कोई एक साइड ठीक है, क्या कर रखा है, कोई एक साइड दे रखी है, हमें नहीं पता कौन सी साइड दे रखी है, कोई एक साइड दे रखी है और उसके साथ में ये एंगल मेरे को दे रखा है, ठीक है ना। इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ, ये एंगल मेरे को दे रखा है। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके बाकी की साइड्स का पता लगा सकता हूँ, कैसे लगा सकता हूँ वो हम अभी देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आप समझ लो कि ये जो थीटा है हमारा, ये जो थीटा है हमारा, दिस थीटा इज एक्चुअली द एंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ज्वाइनिंग दी बेस एंड दी हाइपोटेन्यूज ऑफ दी ट्राइंगल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा एक वेरिएबल है जो एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वहां पर रखा है। एंगल की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर वेरिएबल यूज कर रहे हैं थीटा। और यहां पर जो थीटा हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हमेशा ध्यान रखिएगा, हालांकि थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम जिसको थीटा बोलेंगे, थीटा वो एंगल होगा जो कि बेस और हाइपोटेन्यूज के जॉइन होने से बन रहा है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब यहां पर हमारा बेस क्या हुआ, इसका मतलब हमारा बेस क्या हुआ, यहां पर हमारा बेस हुआ बीसी। समझ में आया? इसी तरीके से हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ, हमारा परपेंडिकुलर हुआ, क्या हुआ हमारा परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर हुआ एबी, ठीक है। और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ ए सी, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है, ये थीटा ये वाला, ये कहां पर बन रहा है, ये इस वर्टेक्स पर बन रहा है, ये एंगल इस वर्टेक्स पे बन रहा है। तो ये वर्टेक्स पे बन रहा है, तो आप ये समझ लो कि ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी, इस लॉन्गेस्ट साइड को ही हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो 90 के सामने बनता है, इसी को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई होने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर किसको बोलूं, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो बेस और परपेंडिकुलर का आइडेंटिफिकेशन इस थीटा के जरिए होगा। अभी समझा रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये मैंने कहा कि थीटा वो एंगल है जो बेस और हाइपोटेन्यूज के मिलने से बन रहा है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये तो श्योर है। तो दूसरी साइड जो यहां पर ये मिल रही है, जिसकी वजह से ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये दूसरी साइड क्या होगी, ये दूसरी साइड हमारी बेस होगी। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारा बेस क्या है, बीसी। अगर सपोज मैं यहां पर ऐसा कोई ट्राइंगल बनाऊं, और मैं जो थीटा है
वो इस ऊपर वाले ट्रायंगल को बोल देता हूं, जो थीटा है हमारा, वो थीटा हमारा सपोज ये ऊपर वाला ट्रायंगल है जो कि वर्टेक्स ए पर बन रहा है। समझ में आई बात? सपोज ये हमें थीटा दे रखा है, तो अगर ये हमें थीटा दे रखा है तो ऐसे केस में आप देखकर बताओ कि हमारा बेस क्या बना, हमारा बेस क्या बना। अरे हम थीटा किसी को भी ले सकते हैं, 90 डिग्री वाला कभी भी थीटा नहीं होगा, ध्यान रखना 90 डिग्री वाला कभी भी थीटा नहीं होगा। थीटा हमेशा बाकी के कोई दो एंगल रहेंगे 90 के अलावा, जो भी दोनों एक्यूट एंगल बन रहे हैं वो हमारे थीटा बन सकते हैं, और वो थीटा हमारा डिसाइड करेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है और बेस कौन सा है। तो यहां पर बोलो हमारा बेस कौन सा हो गया, हमारा बेस हो गया एबी। इसी तरीके से हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ, हमारा परपेंडिकुलर बन गया बीसी। समझ में आया? फाइट है तो बोलो, फाइट है तो बोलो। नो सर, नो सर। हाइपोटेन्यूज क्या बना, हाइपोटेन्यूज बना हमारा एसी। कहां पे दिक्कत है तो बता भाई। मैंने कहा कि थीटा वो एंगल है जो हाइपोटेन्यूज और बेस के मिलने से बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये एंगल किन दो साइड्स के मिलने से बन रहा है, इस वाली साइड के और इस वाली साइड के। तो डेफिनेट सी बात है कि ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी ये वाली साइड, तो ये वाला एंगल इसके और इसके मिलने से बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस क्या हो गया, ये ए बी हो गया बेस। समझ में आया? अगर थीटा आप इसकी बजाय इस वाले एंगल को बनाते हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जैसा कि हमने इस सिचुएशन में देखा है। अगर इतनी ही बात आपको समझ में आ रही है तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, ठीक है ना, जिसके यूज से हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं और अपने एंगल्स का पता लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हाइपोटेन्यूज के लिए तो कभी भी कोई टेंशन नहीं रहती है, टेंशन रहती है हमेशा बेस और परपेंडिकुलर के लिए। तो ऐसे केस में ये हमारा 90 है, 90 के सामने वाला हमारा हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रहेगा, सो कोई डाउट नहीं है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से होंगे ट्राइंगल में, वो हमारा डिसाइड होगा इस थीटा की वजह से। तो सपोज मैं यहां पर बोलता हूं कि ये हमारा एंगल है थीटा। समझ में आया? ये हमारा एंगल है थीटा। तो ऐसे केस में बोलो बेस क्या है हमारा, ये बेस है। ये क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, और मैं रेशियो क्यों बोल रहा हूं उसको, वो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर अभी बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसकी बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज साइन थीटा। अब आपको भी ये साइन थीटा क्या है, हमने तो पहले सुना नहीं, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो और स्पून फीडिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला जो रेशियो हमारे पास है यहां पर दैट इज साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज दैट एंगल जो हमें यहां पर दे रखा है। आप देख रहे हो थीटा वो एंगल है जो बेस और हाइपोटेन्यूज के मिलने से बन रहा है। तो यहां पर जब हम साइन थीटा लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जब हम लिख रहे हैं तो ये साइन जो है ये रेशियो है। किसका रेशियो है, ये रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। समझ में आई बात?
मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप अपनी साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो सर ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आया। और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो बेस और हाइपोटेनस के मिलने से बन रहा है। तो पहले हम थीटा लगाएंगे वहां पर ट्रायंगल में, फिर हम बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करेंगे, और जो भी हमारे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बन रहे होंगे उनकी जो वैल्यू होगी, उनकी जो वैल्यू होगी साइड्स की परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की, उनका जो भी रेशियो आ रहा होगा वो रेशियो हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो बेस और हाइपोटेनस के मिलने से बन रहा है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हालांकि आपके सिलेबस में ये थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा। एक्यूट रहेगा मतलब जीरो से बड़ा, 90 से छोटा, समझ में आया। और वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू से ही डील करेगा। तो फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये साइन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये सर कॉसेक का उल्टा है। कॉसेक का उल्टा है कहने का मतलब कि इसको हम लोग वन अपॉन कॉसेक थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, वन अपॉन कॉसेक थीटा। अब ये कॉसेक एक नया रेशियो है, कॉसेक एक नया रेशियो है जिसको अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये क्या है, ये हमारा साइन थीटा का उल्टा है। आप देख रहे हो साइन थीटा का उल्टा है। अभी अगर हम कॉसेक थीटा निकालना चाहते हैं तो वो साइन का उल्टा हो जाएगा, वो वन अपॉन साइन हो जाएगा। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो। इसी तरीके से जो नेक्स्ट रेशियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉस थीटा। हालांकि साइन का पूरा नाम अभी तो हमने ये सिन लिखा है, अभी सिन मत पढ़ना, इसको साइन पढ़ा जाता है। साइन का जो पूरा नाम है दैट इज एस आई एन ई। इसी तरीके से सिर्फ कॉस नहीं होता, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, ठीक है। तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझो कि अगला रेशियो है हमारा कॉस थीटा। इसी सीक्वेंस में पढ़ो तो हमेशा आपको याद रहेगा, कॉस थीटा एक नया रेशियो है हमारा। और ये किस किस का रेशियो है सर, ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी हमारा बेस रहेगा और जो भी हमारा हाइपोटेनस रहेगा उसका रेशियो है हमारा, क्या है रेशियो, कॉस थीटा। तो यहां पर ये कॉस थीटा एक नया रेशियो है सेक थीटा, उस सेक थीटा का इनवर्स है यानी कि उल्टा है। समझ में आई बात, समझ में आया। कॉस थीटा क्या है सर, बेस हाँ सर इसका रेशियो है और सेक थीटा का उल्टा है, ठीक है। इसी तरीके से अगला रेशियो है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या हो गया, टेन थीटा की वैल्यू हम लोग एक नए रेशियो की फॉर्म में निकालते हैं। समझने के लिए देखो तो ये टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। किस किस का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। और समझने के लिए ये कॉट थीटा का उल्टा है, वन अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा एक नया रेशियो है जिसको अभी हम समझेंगे। तो ये ऐसे अभी के लिए समझ लो कि कॉट थीटा का उल्टा है, ठीक है ना। तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है या कॉट थीटा का उल्टा है ऐसा समझ लो, रेसिप्रोकल है, ठीक है। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन कॉट थीटा होगा ना। और साथ ही साथ हम ये भी समझ लें कि जो टेन थीटा है वो एक्चुअल में साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो है। मतलब आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, जो साइन थीटा हमारा जो भी रेशियो आया, साइन थीटा की जो भी वैल्यू आई हमारी, उसको अगर हम अपने कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो सर हमें साइन थीटा का साइन थीटा की वैल्यू को अगर हम अपने कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें टेन थीटा का वैल्यू मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप इसके उल्टे उल्टों को भी समझो,
यहां पर ये तीन मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। अब मैं इसकी याद रखने की ट्रिक भी आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आप यहां पर देखो तो ऐसी एक नया रेशियो है हमारा कॉसेक थीटा जो साइन का उल्टा है। तो अब आप देखकर बताओ कि कॉसेक थीटा क्या रहेगा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, किसका उल्टा है कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा है साइन का। तो यानी कि कॉसेक थीटा क्या हो गया हमारा, एच अपॉन अपॉन पी, ठीक है ना, उसका उल्टा है यानी कि एच अपॉन पी हो गया। और इसी तरीके से हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। समझ में आई बात, समझ में आया? हाँ सर। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ रेशियोस के, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, इनका जो पूरा नाम है वो कुछ अलग है, मैं अभी समझाऊंगा इनके पूरा नाम क्या है। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा को अपन कॉस थीटा का उल्टा यानी कि एच अपॉन बी अपॉन एच अपॉन बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एच अपॉन बी के साथ आप समझ सकते हो कि ये एच अपॉन बी वन अपॉन कॉस थीटा से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बताओ कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है। बात एक ही है, आपका काम शुरू के तीन को याद रखने से चल जाएगा कि कौन किसका उल्टा है और कौन किस किस के बीच का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉट थीटा है दैट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये किस किस का रेशियो है, ये टेन थीटा का उल्टा है। समझ में आ रहा है, टेन थीटा का उल्टा है, और टेन थीटा का उल्टा है, और आप देख सकते हो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकल रहा था, तो यहां पर कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। किसको, किसको बोलो, कॉट थीटा को। समझ में आई बात, फाइट है तो बोलो, यहां तक फाइट है तो बोलो, क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट हमें याद रखना है इसको। अब यहां पर बच्चे ये तो याद रख लेते हैं कि कौन किसका उल्टा है, और ये भूल जाते हैं कि यहां पर जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, या कॉस थीटा जो है वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये भूल जाते हैं। जो साइड्स है ना, ये साइड्स को भूल जाते हैं। तो साइड्स को याद रखने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ यहाँ पर। साइड्स को याद रखने की जो शॉर्ट ट्रिक है उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हम इसको बोल रहे हैं पी 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 अपॉन एच एच बी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं पीबीपी अपॉन एच एच बी। समझ में आया, कैसे याद रख सकते हैं इसको, पीबीपी अपॉन एच एच बी। तो जो हमारा ये पी अपॉन एच है, ये पी अपॉन एच क्या बनेगा, सबसे पहले साइन आता है तो पी अपॉन एच साइन हो गया, इसी तरीके से बी अपॉन एच क्या हो गया, कॉस हो गया, और इसी तरीके से पी अपॉन बी क्या हो गया, टेन हो गया। समझ में आया, इसके लिए हम एक जुमला भी बना सकते हैं, मोदी सरकार जैसे जुमलों में माहिर है तो हमने भी थोड़े बहुत जुमले बनाए हैं, जिसमें से पहला जुमला आप बना सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। समझ में आया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान,
एच फॉर हरा, डी फॉर भरा। समझ में आई बात, सिस्टम क्या है इसका? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और जुमला है हमारे पास, जुमलों में आजकल हमारा देश माहिर हो गया है। तो एक और जुमला है जिसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला तो सबका फेवरेट रहता है, तो ऐसा आप याद रख सकते हो। हिंदी वाले बच्चे इसे लाल बटा कक्का से याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। तो हिंदी में ये लंबा धार कर्ण ऐसे होता है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आई, पीबीपी अपॉन एचएचपी। अब मैं इसके पूरे पूरे नाम भी आपको बता देता हूँ कि कौन किसका पूरा नाम है। ये जो हमारा साइन है, इस साइन को जैसे हम अभी सिन लिख रहे हैं, सिन है ना, तो सिन नहीं होता है, ये साइन होता है। तो इस साइन की जो पूरी स्पेलिंग है दैट इज एस आई एन ई, साइन, ठीक है। इसी तरीके से वो कॉस नहीं है, दैट इज कोसाइन। क्या है वो? कोसाइन है। इसी तरीके से जो अगला रेशियो है हमारा टेन, वो टेन नहीं है, वो टेंजेंट है। तो मैंने ये देखा है जब केस स्टडी होती है तो केस स्टडी में वो पूरा नाम लिखता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी तरीके से वो कॉस कॉसेक नहीं है, वो कॉसेकेंट है, और वो सेक नहीं है, वो सीकेंट है। सीकेंट हम आगे जाके भी पढ़ेंगे सर्किल में भी। और लास्ट वाला रेशियो कॉट नहीं है, कोटेंजेंट है, ठीक है। तो ये इनके पूरे पूरे नाम है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूं फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये रेशियो इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं, और इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, चाहे ट्रायंगल कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो जाए। फिलहाल अभी के लिए हम अपने एग्जांपल पे चलते हैं। आपको याद हो गया कौन किसका उल्टा है? नहीं हुआ तो याद कर लीजिएगा। अब आपका एग्जाम्पल वन आ रहा है, इसमें देखिए एग्जाम्पल वन में क्या कह रहा है, फटाफट देखिए। एग्जाम्पल वन में आपको एक ट्राइंगल दे रखा है कुछ इस तरीके से, एक ट्राइंगल बना के दिया है, और इस ट्राइंगल को बनाकर देने के साथ आपको रेशियो भी दे रखा है इसका। सी है, ए है और डी है, ठीक है ना। तो यहां पर इसने दे रखा है कि जो 10a का वैल्यू है, 10a, तो अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा थीटा है उसको थीटा नहीं दे रखा, उसको कैपिटल लेटर में a दे रखा है, यानी कि जो एंगल a है हमारा वो हमारा थीटा बनने जा रहा है। समझ में आई बात? जो हमारा एंगल a है वो एंगल ए हमारा अब थीटा बनने जा रहा है। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। सबसे पहले यही डिसाइड करना है हमें। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू अगर 4/3 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू दे रखा है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे रखा है 4/3। समझ में आई बात? तो अगर मैं अपने परपेंडिकुलर को 4k ले लूं और अपने बेस को 3k ले लूं तो चलेगा,
के क्यों लगाया है? के इसलिए लगाया है ताकि रेशियो को सेटिस्फाई कर सके, कांस्टेंट ले लिया हमने उसके पीछे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब आप पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो देखो एच का वैल्यू क्या आएगा, 5k, और वैसे भी दिख रहा है कि 3:4 में अगर परपेंडिकुलर और बेस दिख रहे हैं तो हाइपोटेनस 5 ही होना चाहिए, 5 यूनिट, क्योंकि 3:4:5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, सबको मालूम है, अदरवाइज पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिएगा। अब उसने ये पूछा है बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो एंगल ए की टर्म्स में, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4k/5k, कितना आया हमारा 4/5, कितना सिंपल है आप समझ सकते हैं। कॉस ए हमें फाइंड करना है, कॉस ए का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3k/5k, यानी कि रेशियो क्या हो गया 3/5। इसी तरीके से 10a तो हमें दे ही रखा है, इसी तरीके से हमें कॉसेक ए निकालना है, तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉसेक ए है वो हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर से भी आ सकता है, और वो साइन ए का उल्टा होगा, तो साइन ए क्या है हमारा 4/5, तो कॉसेक ए क्या होगा हमारा 5/4। इसी तरीके से सेक ए क्या होगा हमारा, सेक ए हमारा कॉस ए का उल्टा होगा यानी कि 5/3, और इसी तरीके से जो हमारा कॉट ए है वो कॉट ए हमारा क्या होगा 10a का उल्टा, 10a का उल्टा यानी कि 3/4। तो समझ सकते हैं कि बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई फाइट है तो जल्दी से पूछ लो, स्क्रीनशॉट दे लो, बाकी की बातें कल करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लो सर, पक्का एकदम चकाचक तरीके से, क्योंकि सारे चैप्टर में यही चलने वाला है। ओके सर, ठीक है, हाँ सर, थैंक यू।